हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। और सुबह के बज रहे हैं 7:30 और मैं किचन में आई हूँ चाय बनाने के लिए, लेकिन पूरा एक बॉटल पानी गिर गया था। और ये डे था आपको थर्सडे, और पूरा पानी गिर के और एकदम से जो है पूरा किचन जो है पूरा गीला हो गया था। तो पूरा अच्छे से किचन को जो है क्लीन की थी, और उसके बाद जो है चाय बनाने का प्रोसेस शुरू की हूँ। तो सबसे पहले तो आप सबको पता है कि मैं बिना हनी और मतलब बिना सुबह में पानी, उसमें मुझे चाहिए नींबू मध और पानी। तो लेमन ख़त्म हो गया था, तो मैं सिर्फ वार्म वाटर विथ हनी जो है वो पी रही हूँ, क्योंकि सिंपल पानी मैं पी ही नहीं पाती हूँ। अगर सिंपल पानी पीऊँ तो मुझसे तो पिया ही नहीं जाता है। तो सुबह का वही सब काम चल रहा है। पुणे में पता नहीं क्यों इतनी गर्मी हो रही है, जैन में इतनी गर्मी हो रही है। तो सोचो अब कि आप अभी तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, ये अगस्त के लास्ट में शुरू होता है यहाँ पर बारिश। तो अभी तो 4-5 महीने से ज़्यादा बाकी है, 5 महीने कैसे, 6 महीने बाकी है। तो क्या होगा हमारा पता नहीं, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो खुद के लिए और गुड्डू के लिए चाय बना रही हूँ मैं, और चाय लेकर के और गुड्डू के लिए खारी बिस्किट मैं ले रही हूँ, क्योंकि गुड्डू सुबह में खारी बिस्किट खाते हैं। मुझे अगर आप सोचोगे कि मारी लाइट या फिर कुछ, कभी अगर मान लीजिए खारी बिस्किट नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा मारी लाइट वगैरह दे दूँ। तो मारी लाइट फिर भी वो ले लेते हैं गुड्डू, लेकिन वो बाकी और कोई बिस्किट उनको जमता नहीं है। तो वो शुरू से हैबिट हो चुका है, और इसमें भी डिफरेंट डिफरेंट फ्लेवर के जो आते हैं ना टेस्ट के, वो ज़्यादा गुड्डू को पसंद है। तो वही सब है। गुड मॉर्निंग रही हूँ, चाय पी लेती हूँ, उसके बाद आप लोगों के साथ आगे गप्पा करती हूँ। आप लोग भी चाय पीजिए और खारी बिस्किट खाइए, ये मेरा प्यार है, ठीक है। और ये भी मेरा सुपर सुपर वाला प्यार, एक चाय के साथ खारी बिस्किट इंजॉय करें। तो आज सुबह सुबह जो है ये पीआर प्रोडक्ट भी आ गया है, और जिसका मुझे रिव्यू करना है। तो कल मैं शॉर्ट्स बना चुकी हूँ इसका, पोर्स एंड मार्क्स है, ये अच्छा है अगर आपके चेहरे पे, अगर आपके बॉडी में स्ट्रेच मार्क्स है, अगर आपके फेस पे ओपन पोर्स की परेशानी है, डार्क स्पॉट है, और अगर आपके चेहरे पे अनइवन स्किन टोन है, पिगमेंटेशन है, तो उन सब के ऊपर ये काम करता है, वाकई अच्छा है। और ये न्यूड का जो है आपको हेयर रिमूव करने वाला है, आपके अनवांटेड फेशियल हेयर सबको ये रिमूव करता है। और मैं बोली थी कि मुझे फिर से इन सब का रिव्यू करना, क्योंकि मुझे ये तीनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे लगे हैं, और ये कॉटन के पैड हैं, इसका रिव्यू अभी करना बाकी है मुझे। तो वही सब मैं बोली थी कि आप मुझे भेज दो, मुझे फिर से रिव्यू करना है। ये बहुत सही है, आपकी स्किन टाइप कोई भी हो, सब स्किन टाइप को ये जाता है। और उसके बाद जो है ये देखिए, जो भी है, मैं मॉल जा कर के डब्बा वगैरह स्टोरेज का लेकर के आई थी, जो कि बहुत सारे बॉक्स के अंदर कॉस्मेटिक पड़े हुए थे, सारे एसेंशियल ऑयल। और गोल्डी को ठीक कर कर के सर में दर्द हो रहा है, क्योंकि मैं ये काम गोल्डी को बोली थी कि गोल्डी सारे जो कॉस्मेटिक्स हैं, चाहे जो भी है, सार्जेल हो, चाहे लिपस्टिक्स हो, चाहे जो भी हो, क्रीम वगैरह जो भी हो, सारे क्रीम सबको तुम एक जगह डाल दो। इसमें से बहुत के मैं अभी तक रिव्यू ही नहीं की हूँ, जब बॉक्स के अंदर से निकाली हूँ तब मैं मुझे लगा कि हे भगवान, मैं तो इतनों के अभी तक रिव्यू की ही नहीं हूँ। बहुत जल्द अभी आपको बहुत सारे रिव्यू मिलने वाले हैं मेरे नए चैनल के ऊपर, और बहुत जल्द आपको मेकअप वीडियो भी दिखने वाले हैं। और ट्यूसडे के दिन ये सुबह सुबह मेरा देखिए आज गुड मॉर्निंग की शुरुआत हुई है। इस समय सारे ग्रॉसरी का सामान मेरा आ चुका है, वेजिटेबल्स अभी नहीं मंगाई हूँ, क्योंकि ऑलरेडी ग्रॉसरी के सामान से ही पूरा जो है, ये है बाग बगरी चाय, हमेशा रिश्ते बनाए। आप लोगों को मैं हमेशा बोलती हूँ कि आप लोगों को मैं वही प्रोडक्ट सजेस्ट करती हूँ जो मैं खुद यूज़ करती हूँ, और बाग बकरी चाय की मैं सुपर से भी ऊपर वाली फ़ैन हूँ, मुझे बहुत बहुत पसंद है। तो इस बार मैं पूरा 1 kg का जो है पैकेट इसका मंगा ली हूँ। और ये देखिए 2 लीटर राई तेल वगैरह है, और ये अगर आपके घर में सच्ची नहीं, अगर आपके घर में वॉड्रो वगैरह में अगर दाग लग चुका है और जल्दी वो दाग जाता नहीं है, तो उसके लिए आप मिस्टर मसल आप यूज़ कर सकते हो। ये वाकई बहुत सही है, कांच से लेकर के सब कुछ ये क्लीन कर देता है।
उडेन यानी कि लकड़ी के ऊपर भी अगर कोई दाग लग गया है ना तो उसको भी ये साफ़ करता है। ये बहुत 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 बेहतरीन है। तो यही सब है। और आप सबको पता है कि मसाला में मैं सुहाना की बहुत बड़ी वाली फ़ैन हूँ, तो ये कसूरी मेथी मैं मंगाई हूँ। तो यही सब है सामान, सब भुजिया में सेव भुजिया। और आप लोगों को मैं बताई थी कि लॉकडाउन के टाइम में मैं आटा चेंज की थी, क्योंकि गुड्डू को आशीर्वाद से ज़्यादा बेटर पिल्सवेरी लगा था। तो पिल्सवेरी चक्की फ्रेश आटा ये कंटिन्यू कर रही हूँ मैं लॉकडाउन से। तो वही सब है। तो चलिए बात करते हैं थोड़े देर के बाद आप लोगों के साथ। और चीनी में मधुर और सुहाना, सुहाना का चिकन मसाला मुझे बहुत पसंद है। और ये शुगर में मधुर, मधुर के अलावा मैं कोई नहीं शुगर लेती हूँ, चीनी नहीं लेती हूँ, क्योंकि मुझे इसमें वो फ्रेशनेस दिखता है, बाकी लोकल जो होता है मुझे उतना सही नहीं लगता। तो यही सब है। और ये है रामदेव हींग का तड़का, अंग अंग फड़का, ये मंगाई हूँ मैं। चलिए तो शॉर्ट में आप लोगों को मैं अपने सारे सामान का दिखला चुकी हूँ। और राइस की अगर बात करते हो तो ऑलरेडी मेरा राइस वही है दिव्या बासमती राइस, तो वही मैं लेती हूँ, तो उसका 10 केजी का पैकेट। मॉर्निंग, अभी आप लोगों को मैं ग्रॉसरी के सामान का दिखला चुकी हूँ। तो सुबह सुबह ग्रॉसरी का सामान आ चुका है। गोल्डी अपना एग्ज़ाम दे रही है, आज गोल्डी का एग्ज़ाम है, तो गोल्डी एग्ज़ाम दे रही है और आवाज़ नहीं करना है मुझे। और मैं अभी जा रही हूँ किचन, तो मैं आ गई हूँ किचन में। और जो भी ग्रॉसरी का सामान था तो आप डायरेक्ट तो मैं अंदर रखती नहीं हूँ, तो सब कुछ को अच्छे से धुलवाती हूँ। तो मीरा से सब कुछ धुलवा रही हूँ मैं, तो यहाँ तक कि भैया प्याज और जो आलू होता है ना उसको भी धुलवा देती हूँ, यानी कि कांदा बटाटा को भी धुलवाती हूँ, फिर मैं उसको धूप में रखती हूँ, फिर मैं यूज़ करती हूँ। मैं बोली कि बापरे नहीं रखना, ये कोरोना के टाइम से ना ये आदत हो गई है, ये हैबिट छूटने वाला नहीं है। एक और अभी मैं जो हूँ वो पुराना जो भी मेरा ग्रॉसरी का सामान है उसको जो है वो हर महीने जो आता है उसको रखती हूँ साइड में, फिर उसे ठीक करती हूँ। तो उन सब की साफ़ सफाई में लग रही हूँ, कौन एक्सपायर हो गया, क्या हो गया, वही सब देख रही हूँ। और उसके बाद जो है मुझे बाहर भी जाना है, तो फटाफट काम निपटा रही हूँ अपना। हाय, गुड आफ्टरनून। और ये देखिए कौन है बाजू में, अम्मा है मेरी, अम्मा आई है और आगे पापा बैठे हुए हैं और गुड्डू ड्राइव कर रहे हैं। आप लोगों को बहुत इच्छा है ना कि ब्लॉग में मैं अपने पापा को बुलाऊं, तो ब्लॉग में स्पेशली मैं पापा के साथ आप लोगों को ब्लॉग में मिलने वाली हूं। एक स्पेशल ब्लॉग बनाऊंगी जिसमें सिर्फ मैं और पापा रहेंगे, ठीक है, और अम्मा भी रहेगी, थोड़ा सा टाइम अम्मा को भी दे दूँगी, बाकी पूरा टाइम मैं और पापा रहेंगे उस ब्लॉग में, ठीक है। तो आप लोगों के स्पेशल रिक्वेस्ट के ऊपर मैं अपने पापा के साथ ब्लॉग बनाऊँगी। और अभी थोड़ा सा ऐसे ही निकली हूँ बाहर, और जो नॉर्मल जो होता है ना थॉरो चेकअप, तो वो है, तो वो थॉरो चेकअप नॉर्मल चेकअप करा के। और आप सबको पता है कि हमारा तो फेवरेट है जहांगीर हॉस्पिटल, उसके अलावा तो कहीं और जाते ही नहीं हैं। और तो जहांगीर हॉस्पिटल अभी जा रही हूँ, और वहां से जब आऊँगी फिर आप लोगों के साथ डिटेल में जो है वो बात करूँगी। और शायद गुंजन जी आपका पार्सल जो है गिव अवे का, वो पार्सल आपका एक बार गया और एक बार लौट के आ गया, एड्रेस कंप्लीटेड नहीं है ऐसा लिख के आया था, लेकिन आप बताएं मुझे कि आपका एड्रेस वही है। तो सिर्फ मुझे आप बता दीजिए इंस्टा पे कि आपका जो है सो कि आपको आपका गिफ्ट मिला या नहीं, गिव अवे गिफ्ट मिला कि नहीं। आपका एक और गिव अवे गिफ्ट बनता है, वो गिव अवे गिफ्ट नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आपको प्यारी सी क्यूट सी बेटी हुई है तो उसके लिए अलग से एक आपको गिफ्ट बनता है। ये गिव अवे गिफ्ट जो सबको मिला है वही आपको मिला है, लेकिन आपकी बेटी के लिए स्पेशल एक गिफ्ट बनता है जो मैं अभी नहीं भेजी हूँ आपको। बहुत जल्द आपकी बेटी के लिए एक प्यारा सा गिफ्ट जो है मैं भेजने वाली हूँ। और एड्रेस बस एक बार ये प्रोडक्ट आपका मिल जाए उसका मैं कन्फर्म हो जाऊँगी कि यही आपका एड्रेस है, फिर आपकी बेटी के लिए आपको गिफ्ट भेजूँगी, बताऊँगी नहीं, सडनली आपके पास पहुँचेगा, ठीक है। तो अभी रास्ते में हूँ और आप देख रहे हो ये जो मेट्रो का काम है बहुत स्लो स्लो चल रहा है, 5 साल लगने वाले हैं, मुझे तो लगता है 3-4 साल तो लगने ही वाले हैं मेट्रो के काम में, उससे पहले जो है वो मेट्रो शुरू नहीं होने वाला है। इसके पहले मैं ही पूना से चली जाऊँगी बाहर, जब मैं पूना से बाहर जाऊँगी तब मेट्रो शुरू होगा ऐसा लग रहा है मुझे, पूना में रहते मेट्रो नहीं शुरू होने वाला है। तो ऐसे पकड़ पकड़ के कैमरा मेरे हाथ में हो रहे हैं दर्द, तो थोड़े देर के बाद फिर बात करते हैं।
और मैं और अम्मा दोनों बालकनी में बैठे हुए हैं और अम्मा को लग रहा है अम्मा दिख रही है। अम्मा को मैं बोल रही हूँ कि अम्मा तुम नहीं दिख रही हो, सिर्फ मैं दिख रही हूँ कैमरा में। अम्मा कह रही देखो हाँ ब्लॉग शुरू कर दी, तो अम्मा को लग रहा है अम्मा दिख रही, माते नहीं दिख रही हो, माते मैं तुमको नहीं दिखा रही। मेरी अम्मा इतनी पतली हो गई है, इतनी पतली, और इतना अम्मा का कलर डाउन मैं आज तक अपने ज़िंदगी में नहीं देखी। एकदम कलर डाउन हो चुका है अम्मा का, एकदम रंग कम हो गया, हाथ वाथ सब एकदम से काले हो गए, एकदम काले। माँ का हाथ इतना खूबसूरत था, इस बार अम्मा का हाथ देख करके मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। हाथ वाथ सब भी काला हो गया, अम्मा भी एकदम काली दिख रही है, एकदम से अजीब सा उसका स्किन हो गया है। तो मैं बोली हूँ कि मानते मुझे तुम्हारे स्किन को ठीक करना है, तो वो तो कोई फेस पैक ये सब लगाती नहीं है, लेकिन ज़बरदस्ती मुझे थोड़ा थोड़ा करके उसको कुछ तो करना पड़ेगा। तो अभी पापा के लिए आलू पराठा बनाएंगे, पापा थोड़ा आलू पराठा खा रहे हैं, माँ बेटी का टेस्ट थोड़ा मिलता है। पापा को भी मेरे आलू पराठा पसंद है, मुझे भी आलू पराठा पसंद है, तो पापा को आलू पराठा और कर्ड का वो जो रायता होता है वो बना के दे दी हूँ। पापा खा रहे हैं, पापा तो खा रहे हैं। मैं आपको जैसे बताई थी अंशु से गप्पा करने लगी थी, अंशु का जो हेयर है वो एकदम अच्छा नहीं लग रहा है उसके फेस के ऊपर, और मैं तो जब हेयर कट करा के तो मुझे तब से भी वो उसका हेयर अच्छा नहीं लग रहा था कि अंशु कैसा कैसा उस जो झापड़ा बनाए हुए था अपने बाल से उससे बेटर कटा गया था। लेकिन मैं बोली थी कि क्या कटवाए हो, क्या कटवाए। वो कल तो थर्सडे है, तो पापा बोले हैं कि फ्राइडे को मैं भी जाऊँगा हेयर कट कराने और तुम भी चलना, नानू और नातू दोनों हेयर कट करा के आएंगे। तो वही सब चल रहा है, अभी बालकनी में बैठी हूँ और आप लोगों का के साथ जो है गप्पा कर रही हूँ। आज का ब्लॉग मैं यहाँ पर ही ख़त्म करती हूँ, मिलती हूँ फिर न्यू ब्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक केयर, बाय। लेकिन हाँ, मेरे ब्लॉग को जल्दी जल्दी अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहें और मेरे जल्दी जल्दी मेरे सब्सक्राइबर गेन कराते रहें। और सबसे बड़ी बात है कि अभी मैं आप सबके किसी के भी कमेंट का रिप्लाई नहीं करूँगी, तो keep supporting me. Bye.